देखो वहाँ से लाइन वहाँ एंड तक जा रही है। अभी मैं आया बाहर और ये व्यू है। अभी कितना टेम्परेचर रख रखा है? -8 है भाई, बट फील्स लाइक -11। पानी बहुत ज्यादा गर्म है और ये सल्फर है वाइट वाइट जो देख रहा हूँ। बीडी का क्या कर रहे थे भाई? सुबह सुबह ढाबे पे फ्रेश होने का मजा ही कुछ और है। और अकाश मैं जब इसमें बैठा था ना तो मेरे बगल में कोई बैठा था, सुट्टा मारा, बीडी मार रहा था। मैंने कहा भाई बीडी है क्या, मेरे को भी दियो। तो उसने अंदर छज्जा ही करा, एक छज्जे से बीडी पास करी। लो भाई आपकी भी बीडी। यो 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 मेरे जिगर के चलो, कैसे आप सब? और आप देख रहे हैं आपका अपना बम गौरव जोन। हमारे रामू जी गर्लफ्रेंड से बात करते हो? पूरी गाड़ी ऊपर तक ओवरलोडेड है। पापे भी लाए थे तुम पापे चाय के साथ। ऑर्डन से मेरे को इतना प्यार है कि मैं बॉक्स में लेके चलता हूँ अपने शूज। देख रहे हो कितना संभाल के रखता हूँ अपने शूज। तो अब यहाँ से कटे हैं दो रास्ते, एक तो चंडीगढ़ होते हुए, एक पटियाला लुधियाना वाला हाईवे। वाह ओ तेरी की, कितना तेज जा रहा है बॉस फाइटर प्लेन। तो यहाँ से 5-6 फाइटर प्लेन चले गए अम्बाला में। वाह क्या हाईवे, पूरा मक्खन है मलाई। तो ये चंडीगढ़ के बाद का हाईवे जो मनाली का है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ, और कोई ट्रैफिक भी नहीं मिल रहा मेरे को अभी। और अभी हमें यहाँ से लगेंगे करीब 7 घंटे के आसपास और हम रात को पहुँचेंगे, 7 बजे तक पहुँचेंगे। बट अगर जब ही पहुँचेंगे अगर रास्ते में जाम नहीं मिला, बट मैंने सुना है कि रास्ता बन रहा है, कुछ कच्चा रास्ता है तो जाम है। अब देखते हैं वो कितना जाम है और क्रिसमस का क्या सीन रहता है आज रात को, क्योंकि आज 24 है और आज मतलब 12 बजे के बाद क्रिसमस लग जाएगा तो मनाली में क्या शोर शराबा होता है। तो अभी हम डीजल डलवा लेते हैं, टंकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। कोई है ही नहीं रामू जी, नोबडी इज हियर। आ गया वो, फुल कर दो टंकी भाई। हमारा डीजल हो गया है फुल। देखो भाई गाड़ी में हमारी ऑलमोस्ट लगा है, अभी डीजल आया है 2-3, मतलब ऑलमोस्ट 2500 का मान लो। तो करीब दिल्ली से और मेरा यहाँ तक 2500 का डीजल लग चुका है। अभी मनाली यहाँ से 5 घंटे दूर है तो मान के चलो 2500 का डीजल और मतलब 5000 का तो डीजल ही डीजल लग जाएगा। वाह रामू जी सब काम कर ले दो तुम्हें। हाँ जी सर। तो अभी हम 10-15 किलोमीटर बाद मांडी पहुंच जाएंगे और ये रोड देखो भाई कितनी क्लीन है एकदम, देख रहा हूँ मक्खन रोड है पूरी। तो ये हाईवे अभी बना है, जब मैं पिछले साल आया था तब ऐसा कुछ नहीं था, मतलब तो उबड़ खाबड़ रास्ता था। तो भाई ये देखो गंदा जाम लग रखा है यहाँ, देखो पूरी लैंडस्लाइड हो रही है और बढ़िया सौदा हो रखा। तो भाई हमारे करीब 1-2 घंटे इस जाम में लग गए हैं क्योंकि बहुत लंबी लाइन है यहाँ पे। देखो वहाँ से लाइन वहाँ एंड तक जा रही है। तो मम्मी फिर से वीडियो कॉल में लगी है, डॉलर से वीडियो कॉल चल रही है। दिखा डॉलर को दिखा मेरे डॉलर डोली डॉलर कंफ्यूज है, खेल नहीं रहा है। नहीं हाँ वो ना खेल रहा नहीं है, पता नहीं शांत सा है। केज में से ही मारा गया, केज में से अपना मेरे सामने ही आया। अच्छा हाँ इसको ना हम जैसे केज में डालते हैं ना, हाँ केज में डाला मान ले। हाँ ओ केज में से ही आ गया डोली, बाहर आ जाएगा देखा फिर। चलो चलो घूमने चल रहे हैं छुपकली देखने। भाई कैसा सा ये, कितना छोटा है, इसको केज में रखा तो केज से निकल के आ गया पतला सा। अभी हमने करी है मैगी ऑर्डर करी है, चल चल के थक गए थे। एक दीपक फास्ट फूड करके हैं तो यहाँ पे बन रही है हमारी वेज मैगी 3। तुम बना रहे हो? क्या क्या डालोगे वेज में? वेज में प्याज होगा, टमाटर होगा और हरी मटर और शिमला मिर्च। चलो बढ़िया। तो ये हमारे लोकल भाई हैं, कैसे हैं भाई? अक्षत भाई बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अब ये घुमाएंगे हमें, हमारे 3 दिन ये घुमाएंगे मनाली। कैसे हैं भाई? ओके फाइन। ओहो गिटार भी आप ही का है क्या? बिल्कुल भाई सही है। अभी हम आ गए हैं अपने टेंटों में, तो ये नीचे पूरा कैंपिंग एरिया है, वहाँ चलते हैं। चले भाई जी, चलो भाई चलो आराम से। तो गाड़ी मेरी यहीं पार्क हो जाएगी ऊपर रोड पे। तो ये देखो पूरा नीचे जा रहे हैं, तो वहाँ पे होगी पूरी कैंपिंग हमारी। तो अभी टेम्परेचर माइनस में, मैं दिखाता हूँ आपको, -3 है। वाह तो ये छोटे मोटे कैंप है और हमारा बड़े वाला कैंप है। तो अभी हम जा रहे हैं माल रोड, क्योंकि माल रोड में कर्फ्यू लगने वाला है। एक्चुअली क्या है ये कर्फ्यू कब से चल रहा है सीन कर्फ्यू का भाई? कोरोना के बाद से ही है ये। अच्छा तो यहाँ पे 9 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है, बट क्रिसमस न्यू ईयर करके इन्होंने 10 बजे तक का टाइम रख दिया और अभी 9:40 हो रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं माल रोड पे। माल रोड भी थोड़ा सा सूखा पड़ा है इस बारी का। क्या कहते हो इस बार की क्रिसमस थोड़ी सूखी है यहाँ की? बिल्कुल बिल्कुल भाई बहुत सूखी है यार, कोरोना ने मतलब यार पूरा माहौल खराब कर रखा सारा भाई। तो यहाँ बस भीड़ दिखेगी तो एक ही ठेको पे।
ये सारा है माल रोड खुला हुआ है। पिछली बार जब मैं मनाली आया था तो मैंने इस जगह से ड्रोन उड़ाया था अपना। सब्सक्राइबर आ गए, कैसे हो? समझ भाई, बस बढ़िया यार। दिल्ली से हो ना सारे? हां दिल्ली से ही है। बोली से ही पहचान जाते हैं। यूपी वाले भी है भाई, यूपी वाला वाले भी है। क्या बात, मेरे को लगा यहां भीड़ नहीं होगी कोविड करके, बट बहुत ज्यादा भीड़ है। तो ये देखो पीछे खाने वालों पे कितनी भीड़ लग रही है। बट क्या अभी दुकानें बंद हो रही है, जैसे आप ये देख सकते हो। ये देखो सारे लोग दुकानें बंद कर रहे हैं अपनी अपनी। ये देखो ये दुकान बंद हो रही है, ये भी दुकान बंद हो रही है, ये भी बंद हो रही है। तो कोई अपना हस्की घुमा रहा है। क्या नाम है इसका? पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार? नो एस्कोबार, ओनली पाब्लो। तो ये सारे सब्सक्राइबर्स मिले कहां से? आप लोग दिल्ली 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 देहरादून दिल्ली दिल्ली हाय हाय क्या देहरादून 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 क्या पीछे वो पीछे वाले आई एम द एक्चुअली द रियल सब्सक्राइबर फ्रॉम देहरादून। क्या बात है, तो देहरादून तक लोग देखते हैं। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब जोन को सही है। तो ये देखो पुलिस वाले सारे बंद करा रहे हैं, देख रहे हो। तो ठंड कैसी लग रही है? मेरे को तो गर्मी आ गई, आपको मनाली को देख के ठंड तो नहीं लगी? हैं, ठंड नहीं लग रही? नहीं अब नहीं लग रही भाई, ये तो बेइज्जती कर दी भाई। अब बर्फ में ऐसे ले आना, मुंह से निकलवा देनी, ठंड लग रही है, वापस दिल्ली चल। हम तो अभी हम चलते हैं नीचे कैंप में और कुछ खाना खाते हैं। और कैंप कितना प्यारा लग रहा है भाई यहाँ से, ये देखो। तो अभी हम खा रहे हैं खाना बॉनफायर करते हुए। तो अभी खाने में सारा वेज है, मिक्स हो जाएगी। क्या क्या खाने में? पनीर है, दाल है, मिक्स वेज है, दाल है, रोटी है। और टेंट में पता है मैंने बनाई है सारा खाना। अरे वाह। और एक बिल्कुल बिल्कुल और एक डॉलर जैसा डॉग है, डॉलर की याद दिला रहा पूरी। डॉलर का अपग्रेड वर्जन है, डॉलर है, ये यूरो है। यूरो है ना? अच्छा सही है। और यहाँ पे बर्फ पड़ती है इस एरिया में? पड़ती है, अभी पड़ी थी 3-4 दिन पहले पड़ी थी। भरा हुआ था ना ये सारा, पूरा भर गया था भाई। अक्षत भाई कुछ गिफ्ट लाए थे, मैंने दिखाया जाए। क्या लाए हो भाई? अरे ट्रेडिशनल लाए भाई अपना। थैंक यू हिमाचल भाई, आप भी दराज हो, आपके लिए है। क्या बात है भाई, बढ़िया लग रही है ये आपके लिए भी भाई। अरे कितनी बढ़िया लग रही है हिमाचली कैप। कप कपी हो गई भाई, धोने का भी नहीं मन कर रहा था। तो अभी ये बर्फ पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी सी, ये देखो ये छोटी छोटी, ये देखो बर्फ। और अभी मात्र 3 मिनट रह गए क्रिसमस होने में, और अभी हम कर रहे थे बॉनफायर। तो अभी ये लोकल गाने सुना रहे थे भाई मेरे को गिटार पे, सुनो आप भी। 12 बज गए। इस गाने का मतलब है माँ नी मेरी शिमले दी राय है, ठीक है। मतलब जो शिमला है उसको अपनी माँ मान, मतलब हिमाचल है, हिम का आंचल, जैसे जो हिमाचल को बोला जाता है ना, हिम का आंचल है। हिम मतलब बर्फ, ठीक है, बर्फ का आंचल है हिमाचल, हिमाचल बन गया उसी से ही ना। तो माए नी मेरी शिमले दी राय है, चंबा कितनी दूर, ठीक है, कि चंबा कितनी दूर है, और शिमले नी बसना, कसौली नहीं बसना, चंबे जाना जरूर, तो चंबे जाना जरूर, उसी हिसाब से ये लोकल गाना। एक और लोकल गाना सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सूरज लगा डूबदा लगी पड़ी दी लगा डूबदा लगी पड़ दी जावा, मेरी प्यारी अंजुए लगी पड़ दी जावा। So guys, अभी मैं सो के उठ गया और अभी हो रहे हैं 7:12 और नींद बिल्कुल भी नहीं आई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। अभी मैं आया बाहर और ये व्यू है। अभी कितना टेम्परेचर रख रखा है? -8 है भाई, बट फील्स लाइक -11। सही में भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, एक्सट्रीम लेवल पे, कुल्फी जम गई है, हाथ भी काँप रहे पूरे। चले रामू जी। तो अभी हम जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग में नहाने, सुबह सुबह उसकी टाइमिंग होती है 6 से 8 और अभी हो रहे हैं 7:20। ये हमारा कैंपिंग एरिया है जहाँ हमने रात में कैंपिंग करी। तो देखो थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ना चालू हो गई है। तो अभी हम आ गए हैं हॉट वाटर स्प्रिंग पे। कौन सा? वशिष्ठ विलेज। Okay. वशिष्ठ विलेज है भाई, ऊपर देखो सारी बर्फ पड़ी हुई है सारी, ये देख सकते हो। अभी मैं आ गया हूँ नहाने,
तो ये देखो नहाने का है, ये लेडीज का है और आगे जेंट्स का है। तो कैमरा नॉट यूज अलाउड इनसाइड। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अंदर नहाने और अंदर स्प्रिंग है, मैं फटाफट नहा के आया और सल्फर का पानी है गर्मा गर्म में जाता हूँ। भाई पानी बहुत ज्यादा गर्म है और ये सल्फर है, वाइट वाइट जो देख रहा हूँ, दिख रहा है कैमरे में? हाँ दिख रहा है भाई, वाइट वाइट है सल्फर है, बहुत ज्यादा उबला है, गीजर का भी क्या उबला है उसके आगे। तो भाई ये पानी इतना ज्यादा गर्म है, अब देखो मैं नंगा खड़ा हूँ लेकिन ठंड नहीं लग रही है मेरे को, ऐसा क्या है भाई इस पानी में? भाई सल्फर होता है ना, ये नेचुरल है, बिल्कुल सल्फर होता है इसमें, इसलिए गर्म है ये पानी। ज्यादा पानी में रुका तो मेरे को चक्कर से भी आ रहा है, कुछ है इससे लेना देना? भाई अगर ज्यादा देर नहाओगे तो चक्कर आ जाता है यहाँ पे। भाई भाप निकल रही है, भाप लिटरली आप देख सकते हो भाप। तो आकाश नहा के आ गया, रामू जी भी नहा लिए, कैसा पानी है भाई? ओ भाई बहुत गर्म भाई, मैं तेरे से कह रहा था ना। तो आकाश और रामू जी लेट हो गए तो इसलिए नहा नहीं पाए। भाई मैं क्या सही कह रहा था ना, गीजर से भी गर्म है कि नहीं? बहुत ज्यादा गर्म पानी, सेम ऐसा कल गीजर में आ रहा था पानी, सेम। भाई इसमें तू 10 मिनट बैठ लेगा ना फिर तो नंगा ही बाहर खड़े हो जाए, ठंड नहीं लगेगी। बहुत गर्म पानी भाई, कैसा रहा? नहीं बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आ गया, गर्म था ना एकदम, जल गए, जल गए ना, उबल गए, रात को कितने ठंडे हुए थे। तो यार ये है वाला लेडीज का है और जेंट्स का वहाँ पीछे है। और आपको एक देसी शिट्ज़ू दिखा दो। ये देखो भाई कितना सही लग रहा है। देखो भाई अगर इस वीडियो में 1,00,000 लाइक आ गए, वैसे तो आएंगे ही, तो मैं आपके लिए इस जगह की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा स्प्रिंग वाटर की, क्योंकि क्या ये सारी हिडन प्लेसेस होती है, मोस्टली लोगों को पता नहीं होती। और स्पेशली थैंक्स टू अक्षत भाई कांगे, थैंक यू भाई, अभी और घुमाएंगे हमें। इनका किस नाम से पेज है भाई? ट्रैवलिंग बी। तो ये पूरे ग्रुप राइड करवाते हैं और पैकेजेस बनवाते हैं, तो इनकी भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप यहाँ आना चाहते हो, यहाँ कुल्लू मनाली शिमला कहीं भी लद्दाख ले लद्दाख इंडिया में कहीं, हाँ तो कांटेक्ट करना इनको, डिस्क्रिप्शन में डाल दो इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी, वो भी। तो भाई हेलीकॉप्टर उतर रहा है देखो बगल में, कैम्प के बगल में हमारे, चले क्या हेलीकॉप्टर में? चले चले। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट चालू हो चुका है, तो अभी क्या है ब्रेकफास्ट में? छोले पूरी अचार। अच्छा ये लो, ये देखो डॉलर। तो अभी बज रहे हैं $9 गया वॉक के लिए। तो खाना वाना खा रहे हैं टाइम पे? इसने रात को परेशान तो नहीं किया? क्या खाया था ये रात को मेरे साथ? अकेला तो ये रोता है, अकेला छोड़ते हैं। हाँ रोता है, रोता है, ये अपने आप आके लेट गया होगा आपके पास है ना? हाँ ये सोता ऐसे ही है, हम सुलाते कहीं है और ये आकर के हमारे बराबर में लेटा पाता है। तो ये सारे कैंप्स रजत भाई के हैं, थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी नींद आई, तो खाना बहुत अच्छा था। तो मैं यहाँ रुका था हिम ट्रैक कैंप पे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे बुकिंग डाल सकते हो, काफी अच्छी जगह है। अब हम चलते हैं आगे, ये खड़ी हमारी गाड़ी, चले फुल ट्रैक सूट पहनने लग गए अब भी वो है ना, हाँ गाड़ी साफ कर देना। अच्छी गाड़ी है। One go, woo!